शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में बुध आदित्य राजयोग किस स्थितियों में होता है और ये क्या रिजल्ट देता है या नहीं। प्रिय दर्शकों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि कन्या लग्न की कुंडली में बुध आदित्य राजयोग बनता ही नहीं है। इस लग्न कुंडली में ये योग एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि बुध की जो मूल त्रिकोण राशि लग्न में आई यानी कन्या लग्न की जो कुंडली बनी, इस लग्न कुंडली में सूर्य देवता को 12वां घर मिला, जो कि कुंडली का एक मारक घर माना जाता है। मारक घर होने की वजह से, उसका मालिक सूर्य होने की वजह से, इस लग्न कुंडली में सूर्य एक अति मारक ग्रह है। अगर वो लग्नेश के साथ युति बनाता है तो कभी भी इस लग्न कुंडली में बुध आदित्य राजयोग की एप्लीकेबिलिटी बनती नहीं है। बहुत से लोगों को ये ध्यान नहीं है। अब मैं इस बारे में रिसर्च करके आपको पढ़ा रहा हूँ, अब बहुत सारे लोगों का ध्यान इस तरफ जा रहा है कि किस लग्न कुंडली में कौन सा योग कैसे डिवेलप होता है और वो बनता भी है या नहीं, क्योंकि मारक ग्रहों का योग कभी भी गिना ही नहीं जाता। मारक ग्रह योग की एप्लीकेबिलिटी में आते ही नहीं, मारक ग्रह ने सदैव बुरा ही रिजल्ट देना होता है। दर्शकों, अगर सूर्य बुध लग्न में ही पड़े हों, क्योंकि सूर्य इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह है, सूर्य बुध अगर लग्न में पड़े हों और किसी पोंगा पंडित ने आपको बोल दिया कि आपकी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग है, तो समझ लीजिएगा कि अभी इस विद्या की ABCD उसे पूर्णता नहीं आती है। लग्न में पड़े हुए सूर्य बुध देवता, और अगर बुध अस्त ना हुआ तो ये सूर्य बुध का आदित्य योग कहा जा सकता है। अगर बुध अस्त हो गया तो ये योग निल गिना जाएगा। लग्न में ही पड़े हुए सूर्य बुध आदित्य राजयोग टोटली आपको एक नेगेटिव रिजल्ट देंगे। बुध पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि बुध इस कुंडली का एक कारक ग्रह है, लेकिन सूरज देवता इस कुंडली में टोटली नेगेटिव ग्रह माना जाता है, यानी अति मारक ग्रह माना जाता है। पर्सनैलिटी को नेगेटिव करना, हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रखना, फजूल के व्यय होना, फजूल की छोटी मोटी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते रहना, हेल्थ में चिड़चिड़ापन ले आना या स्वभाव में चिड़चिड़ापन ले आना, यहाँ से सूर्य देवता जो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम, और पत्नी से भी रोब मार कर बात करनी। जब भी सूर्य की दशा अंतर दशा चलेगी, उसे लग्न के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और सप्तम भाव के रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। दर्शकों, अगर बुद्धदेव यहाँ लग्न में पड़े हों अपनी दशा अंतरदशा में, ये भद्र नाम का पंचमहापुरुष योग बना देंगे। अगर अस्त ना हुए तो, ये बात प्रिय दर्शकों मैं रोज़ याद दिलाता आया हूँ, अस्त ना होना एक बहुत मेजर चीज़ होती है। अगर वो अस्त नहीं होगा बुध, तभी बुध आदित्य राजयोग बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। और कन्या लग्न की कुंडली में बुध आदित्य राजयोग कभी रिजल्ट देता ही नहीं है। यहाँ पड़ा हुआ बुध देवता पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट देगा, कैलकुलेटिव माइंड बनाएगा, यहाँ मेंटली जातक बहुत स्ट्रांग होगा, अच्छी विल पावर वाला होगा। यहाँ से बुध देवता ने सप्तम भाव पर जो दृष्टि डाली वो भी पूर्णतः एडवांटेज देगा, पार्टनरशिप में वृद्धि करेगा, डेली वेजेस में वृद्धि करेगा, और पत्नी से असमंजस नहीं होगा, दिक्कत परेशानियाँ नहीं होंगी, पत्नी के साथ बहुत बनती होगी, पत्नी के साथ अटैचमेंट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी उस जातक की। दर्शकों, सूर्य बुध अगर दूसरे भाव में पड़े हों नेगेटिव रिजल्ट देंगे, बुध यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन सूर्य देवता सदैव नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य देवता मारकेत्व में होने की वजह से और नीचता होने की वजह से डबल मारकेत्व में आ गए हैं, तो यहाँ सूर्य बुध देवता अति अशुभ माने जाएंगे। बुध देव यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन सूर्य देव सदैव नेगेटिव रिजल्ट देकर के अपनी दशांतर दशा में वाणी उग्र कर देंगे, परिवार से नहीं बनने वाली, धन का अभाव सदा रहने वाला है। लेकिन बुध की दशा अंतरदशा में ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। बुध एडवांटेज देने वाला है अगर उदय हुआ इस कुंडली में, परिवार से बनेगी, वाणी बुध की दशा अंतरदशा में मीठी बोलेगा और धन का अभाव नहीं रहने वाला। हर ग्रह अपना रिजल्ट, अपने योग का रिजल्ट सिर्फ तभी देता है जब उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चलती है। अगर सूरज की दशा अंतरदशा चली तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, बुध की दशा अंतरदशा चली तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से दृष्टि डाली जो अष्टम भाव पर, तो सूर्य ने टोटली नेगेटिव रिजल्ट देने हैं और बुध ने टोटली हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने हैं। दर्शकों, अगर सूर्य बुध देवता
तीसरे भाव में पड़े हों। यहाँ वो बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे ही नहीं, पहले तो लग्न में अति शत्रु होने की वजह से, दूसरी बात गलत भाव में होने की वजह से मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे, फजूल का हार्डवर्क बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों से नहीं जल्दी बनने वाली होगी। यहाँ से जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता से प्रॉब्लम्स, धर्म को ना मानना और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स दे करके धर्म को बिल्कुल ना मान के विदेश यात्रा तक भी करवा करके उसके पूर्ण रिजल्ट वो कभी नहीं देने वाला, ना ही सूर्यदेव यहाँ रिजल्ट देंगे दृष्टि डालकर, ना ही बुद्धदेव यहाँ दृष्टि डालकर रिजल्ट देंगे। दर्शकों अगर सूर्य बुद्ध चतुर्थ भाव में पड़े हों, माता से प्रॉब्लम सूरज की दशांतर दशा में, फोर्थ हाउस रिगार्डिंग माता गाड़ी भूमि वाहन से प्रॉब्लम्स, चतुर्थ भाव के रिगार्डिंग माता से जल्दी मनमुटाव होने वाला है, यहाँ सारे नेगेटिव रिजल्ट देगा सूर्य देवता की दशांतर दशा में। लेकिन बुध की दशांतर दशा में हमें एडवांटेज मिलेंगे, माता गाड़ी भूमि वाहन से अटैचमेंट रहेगी, माता गाड़ी भूमि वाहन का सुख सुविधाएं सारी रहेंगी और यहाँ से जितनी दृष्टि कामकाज पे डाली तो बुध की दशांतर दशा में कामकाज में इम्प्रूवमेंट मिलेगी, लेकिन सूरज की दशांतर दशा में कामकाज में भी मुश्किलें आती रहेंगी। दर्शकों अगर सूर्य बुध पंचम भाव में पड़े हुए, सूरज पुत्र का योग बना देंगे लेकिन माइंड बहुत अग्रेसिव कर देंगे, मेमोरी में दिक्कत परेशानियां आएंगी सूरज की दशांतर दशा में, यहाँ लवर मास में फेलियर भी होने वाला है, लेकिन बुध की दशांतर दशा में बिल्कुल इससे उल्टा होने वाला है दर्शकों, मेमोरी शार्प हो जाएगी, बुध अच्छे रिजल्ट देगा, लवर मास में कामयाबी देगा, यहाँ पर माइंड को शार्प कर देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि बुध देवता ने ग्यारहवें भाव पर डाली वो सदैव एडवांटेज देकर के बड़े भाई बहन से लाभ, बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलती रहेगी, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी तो वो निकलने वाली होंगी। दर्शकों सूर्य बुध अगर छठे भाव में बैठे हों, यहाँ भी कभी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि बुध देव लगन लॉर्ड होकर के ही छठे भाव में आ गए हैं तो वो सदैव नेगेटिव रिजल्ट देंगे, चाहे सूरज विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाएं, लेकिन अगर बुध छठे भाव में आ गया तो सूरज भी विपरीत राजयोग की स्थिति के रिजल्ट नहीं देंगे और दोनों ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे छठे भाव के रिगार्डिंग। यहाँ से दृष्टि डाली बारहवें भाव के रिगार्डिंग, यानी फजूल के व्यय होते रहेंगे, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो सकता है और टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके बारहवें भाव की सारी परेशानियां जातक को झेलनी पड़ेंगी, चाहे वो सूरज की दशांतर दशा हो चाहे वो बुध की दशांतर दशा हो। दर्शकों सूर्य बुध अगर सप्तम भाव में पड़े हो, यानी मीन राशि के पड़े हो, दोनों ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि बुध देव यहाँ नीच के हो जाते हैं। सूर्य देव इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं, जिसकी वजह से सप्तम भाव के टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, पत्नी से मनमुटाव सदा बना रहेगा, पार्टनरशिप में सदैव दिक्कत परेशानी बनी रहेगी और डेली वेजेस में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ अक्सर ही आती रहेंगी। और दर्शकों यहाँ बुध देवता की नीचता की वजह से दाम्पत्य सुख में कला क्लेश मचता रहेगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम और डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम्स ही रहेंगी, यानी सूरज और बुध दोनों ही अपनी दशांतर दशा में सप्तम भाव के रिगार्डिंग और लगन और कामकाज के रिगार्डिंग टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे हमें। दर्शकों अगर सूर्य बुध अष्टम भाव में बैठे हों, यहां सूर्य बुध बैठे हुए दोनों ही अपनी दशांतर दशा में टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देंगे, बिना कारण के ऑब्स्टेकल्स खड़ी रहेंगे, हर काम अटकल लटकल दिक्कत परेशानी देके होगा। यहाँ से जितनी सूर्य बुध ने सेकंड भाव पर दृष्टि डाली तो वाणी को भी नुकसान होगा, परिवार से नहीं बनने वाली धन का अभाव सदैव ही बना रहेगा। दर्शकों अगर सूर्य बुध नवम भाव में पड़े हुए, नवम भाव में पड़े हुए सूर्य देवता टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे, बुध देवता यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे अगर वो उदय हुए तो, सूरज देवता पिता से अपनी दशांतर दशा में मनमुटाव बनाई रखेंगे, विदेश यात्रा जरूर करवा देंगे, धर्म को जातक जल्दी नहीं मानने वाला होगा। यहाँ से सूर्य देव ने दृष्टि डाली हो तीसरे भाव पर तो छोटे भाई का योग बना देंगे, फजूल की मेहनत जरूर होगी, जातक फौरन जाकर के कई यात्राएं भी कराता है अपनी दशांतर दशा में, ये सारे नेगेटिव रिजल्ट सूर्य देवता देंगे अगर वो नवम भाव में पड़े हुए तो। लेकिन अगर बुध भी उसके साथ बुध आदित्य राजयोग बनाकर नवम भाव में पड़े हुए तो बुध की दशांतर दशा में पिता की केयर करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा जातक, धर्म को मानने के साथ साथ विदेश से जाकर के काम काज करने वाला भी होगा, यानी विदेश टूरिंग भी कर सकता है। यहाँ से बुध देवता ने तीसरे भाव पर दृष्टि डाली तो भाई बहन से बनती होगी, भाई बहन की केयर करने वाला होगा, लेकिन फजूल की मेहनत जरूर जातक की कहीं ना कहीं होती ही रहेगी। दर्शकों अगर सूर्य बुध ग्यारहवें भाव में पड़े हुए, सूरज अपनी दशांतर दशा में कामकाज कभी सेटल नहीं होने देंगे,
यहाँ से दृष्टि डाली चतुर्थ भाव पे तो माता से मनमुटाव सदा बना रहेगा। गाड़ी भूमि वाहन लेने वाला हुआ तो वो सदैव लेट हो करके होगा। अगर बुध उदय हुए और यहाँ प्लेसमेंट में आए तो बुध से जुड़ा हुआ काम जातक सदैव करेगा और सदैव उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। यहाँ से जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली बुध देवता ने तो माता गाड़ी भूमि वाहन के सारे एडवांटेज बुध की दशा अंतरदशा में अवश्य ही मिलेंगे। दर्शकों, अगर सूर्य बुध 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में पड़े हुए भी ये बुध आदित्य राजयोग तो पूरी इस लग्न कुंडली में बनता ही नहीं है, लेकिन जब भी सूरज की दशा अंतरदशा चलेगी तो बड़े भाई बहन से क्लेश जरूर मचेगा। धन का अभाव सदा बना रहेगा, धन की कमी हमेशा इंसान को खलती ही रहती है और जातक की मेंटल पीस भी डिस्टर्ब रहती है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी रहती है। यहाँ से जितनी सूर्य देवता ने पंचम भाव पर दृष्टि डाली सिर्फ एक पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बना देंगे। यहाँ पर मेमोरी भी पुअर कर देंगे सूर्य देवता की, पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ी लवर मास में भी फेलियर दे देंगे, अनसर्टेन लॉस भी दे देंगे, फजूल के व्यय जातक के होते ही रहते हैं और जातक मेंटली सदैव डिस्टर्ब ही रहता है। लेकिन अगर बुध उदय हुआ, यहाँ से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी वो सदैव एडवांटेज दे करके हमें 11वें भाव के रिगार्डिंग भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देगा और पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ी औलाद सुख से संपन्न कर देगा, मेमोरी जरूर शार्प कर देगा और बुध देवता अपने पूरे पंचम भाव के एडवांटेज लव रोमांस में फेलियर ना होना यानी कामयाबी होना और अपनी मेमोरी को शार्प करके अनसर्टेन गेंस होना, ये सारे बुध की जो दृष्टि पड़ी वो वहाँ जरूर करवाएगा। दर्शकों, सूर्य बुध अगर 12वें भाव में पड़े हुए तो बुध आदित्य तो बन गया, लेकिन यहाँ भी बुध आदित्य एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ किया हुआ बुध आदित्य राजयोग की प्लेसमेंट या बुध आदित्य राजयोग कहना एक अति अशुभ कारक माना जाता है, क्योंकि लग्न का उठ के 12वें में चले जाना बुध आदित्य राजयोग नहीं बनाता। यहाँ सूरज तो मारक है ही, लेकिन बुध भी अति मारक होने की वजह से टोटली नेगेटिव हो गया। तो कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल ही नहीं होता क्योंकि सूरज उसमें अति मारक ग्रह माना जाता है। अति मारक ग्रह होने की वजह से ये योग की एप्लीकेबिलिटी इस लग्न में होती ही नहीं है। दर्शकों, याद रखिएगा, इस लग्न कुंडली में कभी भी सूर्य देवता का रतन रूबी धारण नहीं किया जाता, चाहे उसकी लग्नेश के साथ अति मित्रता ही क्यों नहीं है, चाहे आपकी विदेश यात्रा अटकी हो, चाहे आपका कोई भी विदेश का काम अटका हो, लेकिन कभी भी 12वें घर का रतन यानी सूर्य देवता का रतन माणिक मत धारण कीजिएगा। वो धारण करने से विदेश तो बाद में जाएंगे, हो सकता है अस्पताल का खर्चा पहले एक्टिवेट हो जाए, हो सकता है आपका जेल यात्रा का घर पहले एक्टिवेशन में आकर के वो रिजल्ट टोटली आपको नेगेटिव कर दे। इस लग्न कुंडली में रूबी नहीं पहना जाता, ये सदैव याद रखिएगा। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। अक्सर जब हम एस्ट्रोलॉजर्स लोग भी बैठकर कुछ पढ़ते हैं या किसी चीज़ पर डिस्कशंस करते हैं या बातें समझ में आती हैं तो हमारी सारा फोकस जो होता है वो कुंडली के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। हमारी पूरी एनालाइजेशन उस दशा अंतरदशा पे डिपेंड करती है। अगर दशा अंतरदशा अच्छी चल रही हो जातक की तो उसके अच्छे रिजल्ट्स उसको मिलते हैं, अगर खराब दशा अंतरदशा चल रही हो तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलना एक स्वाभाविक सी बात हो जाता है। अपनी दशा को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप सुबह उठकर चारों दिशाओं में घूमकर प्रणाम करते हो, ऐसा शास्त्रों का मानना है प्रिय दर्शकों, मेरी खुद की रिसर्च में भी मैंने ये देखा है, चारों दिशाओं में घूमकर प्रणाम करना आपकी दिशा को बदलने, आपका पूरी दिशाओं में प्रणाम किया हुआ आपकी कुंडली की चल रही दशा को बदलने में सहायक होता है और वो दशा आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट कम करने में बाध्य हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि। Thank you.